बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह किचन में आज मैं लेके आई हूँ कोकनी स्वीट डिश पेदवे। पेदवे बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे एक नारियल का खुर्चा हुआ है, एक नारियल खुर्चा हुआ है, उसे फ्राई करना है। एक घी है, शक्कर है, ड्राई फ्रूट है, ये अंडा है, ये 1/2 किलो मैदा है, और ये किशमिश है, और हसबे राय का नमक है। सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं। एक 1/2 चम्मच घी डालेंगे और उसे मीडियम गैस पर गर्म करेंगे। ये भुनने तक हम मैदे का घोल तैयार करते हैं। सबसे पहले हम अंडा फोड़ेंगे। पहले हम अंडा डालेंगे, उसमें हसबे राय का थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छे से फेंटेंगे। मैं 1/2 किलो मैदे में एक अंडा डाले हैं, 1/2 किलो लेंगे तो 2 अंडे डालना। पैकेट 1/2 किलो का है लेकिन आधा मैदा इसमें से खत्म हो चुका है। पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। नारियल में हम इतना शक्कर डाल रहे हैं, अब अपने जायके के हिसाब से शक्कर ले सकते हैं। शक्कर पूरी पिघलने तक इसे भूनते रहेंगे। आप देख सकते हैं खिसा हुआ नारियल हमारा भून के तैयार है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। मैदे का घोल हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा और पतला होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। पैन हमने गैस पे रखे है। पैन गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ा घी डालेंगे और फिर उसके मैदे के पत्ते बनाएंगे। पैन गर्म हो चुका है, अभी इस पर हम घी लगाएंगे, पेड़े के लिए पत्ता तैयार करेंगे। एक मिनट के लिए इसे ढक के रखेंगे। आप देख सकते हैं पत्ता हमारा पक के तैयार हो गया है। अभी हम इसे प्लेट में निकालेंगे। इस तरह से हम डालेंगे।
नारियल का जो फ्राई करके जो तैयार करके रखे हैं वो इसमें हम डालेंगे। और फोल्ड करेंगे। इस तरह से बाकी के भी हम बनाएंगे, फिर आपको बताते हैं। मैंने ये जो मैदे के घोल के पत्ते बनाई हूँ तो मीडियम गैस पे बनाई हूँ। पेड़े बनके हमारे तैयार हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, एक कम वक्त में जल्दी बन जाते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जज़ाकअल्लाह खैर।